रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, बकवास नहीं कर रहे हम, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। जब घर छोड़कर गए थे तब हमारा परिवार ऐसा नहीं था, अब जब वापस आए तो सब कुछ बदला हुआ है यहाँ पर। इस परिवार में वो प्यार, वो विश्वास, वो साथ रहा नहीं जिसके लिए हम तड़पते थे। इस नफरत के लिए थोड़ी ना हम वापस आए थे। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तेरा बड़ा भाई तो बचपन से ही ऐसा है, बेपंदी का लोटा, जहाँ फायदा देखा वहीं सरक गया। तू इसकी बात का बुरा मान रहा है, जाने दे। बिल्कुल सही कह रही है बुआ, एक आप ही तो है जो हमारी हमारी मतलब भावनाओं को समझती है, और कोई तो है भी नहीं यहाँ पर। अच्छा ठीक है माँ, हम एक काम करते हैं, तो आपके लिए और माँ के लिए हम सिर्फ 3 दिन देते हैं इस घर को। अगर 3 दिन में पहले जैसे चीजें हो जाती है तो हम रुकेंगे, अगर नहीं होती हैं तो फिर तो हम चले वापस अयोध्या। नहीं बेटा, वापिस नहीं आई हम, बता रहे माँ। बुआ जी, हमारे सर पे हाथ रखे कसम खाइए कि हमें यहां से जाने से कोई रोकेगा नहीं। नहीं रोकेंगे। चले धानी। अरे बेटा, अरे बेटा तू कुछ भूल नहीं रहा है? क्या भूल गया? अरे भाई काम। कौन सा भाई? ठीक है। अच्छा भैया, हम क्या कह रहे हैं, बुआ को 25 लाख रुपए दे दो। क्या? हाय हाय, बुआ वारी, बुआ सदके हैं, नजर ना लगे हमारे बेटे को, ये है इस घर का असली वारिस। वैसे आपकी नजर लग चुकी है हमें। सही कह रहे हो, तुमने इस बिटवा पर अपनी ममता लुटा के बहुत अच्छा किया। हम गारंटी देता हूं कि ई बिटवा तुम्हारी परवरिश का फल देगा। चलिए चाय पिलाती हूँ आपको, आइए आइए। चलिए चलो रुपा, आ जाओ। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ मजाक चल रहा है, 1 पैसा नहीं देने वाले हम, इनका सारा नाटक समझ रहे हो? अभिषेक जी, बुआ जो करना चाह रही है ना, पैसे चाहिए, 1 पैसा ना देंगे हम। अभिषेक जी चलिए। आरव, बादल, बेटा देखो बात ऐसी है, आज तुम दोनों को अकेले सोना पड़ेगा, हम घर नहीं आ सकते। क्यों भैया, काहे? दरअसल बात ऐसी है। अरे भैया, यही तो वही दीदी है ना जो उस दिन गैराज पे आई थी। अरे रखा फोन तुम लोग। क्या था वो सब? हम तुम्हें इस घर में तमाशा करने को नहीं लेकर आए थे, हमारे परिवार की दिक्कतें सुलझाने को आए थे, तुमने क्या किया? हमारे परिवार में पैसों की लालच की बीज बो दी। ओ मैडम जी, एक तो पहले अपनी गाड़ी पे ब्रेक मारी समझी, पर कहा इतना उछल रही हैं आप? पहली बात, ये दरवाजा पटक पटक के हमें डराना बंद कीजिए, हमें आदत है इन सब चीजों की। वो कह रहा कि हमारे जो गैराज का दरवाजा है ना वो बंद होता नहीं है, बस पटकता रहता अपने आप, तो आदत हो चुकी है। और दूसरी बात, हमको ना जेल के दरवाजे के अंदर जाने का शौक नहीं, इसलिए हमने ये सब किया। पर आपको क्या लगता है कि आपके जेठ जी अभिषेक भैया, अभिषेक पांडे क्या करेंगे अगर इनको हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया? आरती उतारेंगे क्या हमारी? नहीं, आरती नहीं उतारेंगे। ये भैंसा पता क्या करेगा? ये पता क्या करेगा? गधे पे बिठा कर मुंह काला कर हमें थाने तक छोड़ कर आएगा समझी, आरती नहीं उतारेगा, और पीछे हम अपनी अपने परिवार की जान को खतरा नहीं डाल सकते। और रही लालच की बात, तो लालच की बात मत करिए हमसे, आपका जो पूरा खानदान है ना वो लालची ही पैदा हुआ था, और लालच उनकी शक्ल से ऐसे ना ऐसे ऐसे टपक। देवा, हमारे परिवार के बारे में बदतमीजी नहीं, तुम्हीं ने हमारी बुआ जी को गलत रास्ता दिखाया। ओ इंसाफ की देवी, ये क्या कर रही है? आपका जो तराजू है ना उसको जरा बीच में रखिए, एक तरफा मत करिए उसे समझी, और हमें गिराने से पहले एक बात याद रखिएगा, और हमारे आने से पहले ही ना आपके घर में ऐसे पैसों की लकीर खींची गई थी समझी, आपका आप ये जेठ अपने ही बाप को ठगने में लगा हुआ है, और आपकी बुआ चंद पैसों के लिए घर में बवाल कर रही है, अपने भाई को लूट रही है,
तो हम पे तो इल्जाम लगाइए नहीं। आई हमें ज्ञान देने, पर आप कौन सा श्री हरिश्चंद्र जी की पोती हैं? भूल गए क्या किया आपने? अरे झूठ बोलकर इस घर में लाई हमें, हम ध्रुव पांडे हैं, निभा त्रिपाठी नाम है हमारा। या फिर सच में सती सावित्री बनकर सत्यवान जैसे ध्रुव जी को यमराज से छीन कर लाई है यहाँ पर? नहीं ना। देखिए ये नाक फुलाना बंद कीजिए, हमें ये बताइए कि सोना का नींद बहुत आ रही है हमें। इसी कमरे में, यही हमारा कमरा, कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। क्या कहा आपने? ये कमरे वो मैडम जी क्या कर रही है, भूल गई है क्या कि हम जो है बजरंग बली के भक्त हैं? अरे एक छत के नीचे तो छोड़िए, एक कमरे में औरत के साथ नहीं सो सकते, वो भी पराई औरत के साथ। अपनी नौटंकी बंद करो, तुम बिस्तर पर सो जाओ, हम ये सोफे पर सो जाएंगे या जमीन पर सो जाएंगे या छत पर लटक जाएंगे, हमें बाल हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, आप सो जाइए ऊपर, हम अपना जुगाड़ देख लेंगे। समझे? शुभ रात्रि। देवा देवा हमें दिखावे के लिए देखा, हमने कहा था ना कि ये लड़का ध्रुव नहीं हो सकता है, वरना बीच रात में ये अपने कमरे से कहां बाहर जा रहा है? पूजा, हमें इस लड़के का सच पता लगाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। जी अभिषेक जी। ये लड़का ध्रुव हो ही नहीं सकता है। बस अभिषेक जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो लड़का ध्रुव भैया ही है, कोई और नहीं है। अभिषेक जी, आपको पता है ना ध्रुव भैया पापा से कितना प्यार करते हैं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो उनके पास चले गए सोने, आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे? पूजा, तुम हमारी बात नहीं समझ रही हो, ये हमारा भाई नहीं है, ये कोई बहरूपी है जिसको वो धानी इस घर की जायदाद और पैसों के लिए लेके आई है। पर ये बात आप साबित कैसे करेंगे? एक तरीका है हमारे पास। No.
लाल ते लाल लसेरु धरी लाल लंगूर वज्र दे दालम तलन जय 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 कपिसूर बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुद हनुमान की जय। एक काम करिए, आप लोग बाहर बैठिए, हम कुर्सी लगवाते हैं आपके लिए। थानी बाहर कुर्सी लगा दो पापा के लिए। बाहर बैठेंगे पापा के साथ। आइए पापा, आराम से आराम से। आइए। थानी तेल ले आएंगी, वो पापा के सर पे मसाज कर देंगे हम। अरे पापा आप आराम कीजिए, आपको आज मसाज देते हैं हल्की सारे। राधे राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम। ये हमारी माँ की याद दिला दी बहना। आइए थोड़ी कसरत करवाते हैं। अरे अरे बच्चा, अरे बहना रक्षाबंधन आ रहा है। लेकिन हर बहन उम्मीद तो करती है कि कुछ ना कुछ तो इस बार मिलेगा। भाई सबसे बड़ा मान होता है बहन का। एकदम अच्छी चाय बनाइए पूजा को। ए बचवा, हम पापा के लिए नाश्ता लगा देते हैं, ब्रेड पे बटर लगा देते हैं। अभिषेक वाह, हम ठीक हो गया। घर फिट है पापा। या बचवा, जिया जिया। अरे कहाँ, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। आज तो कमाल कर दिए यार, मतलब क्या पूजा पाठ हनुमान चालीसा, कब सीखा ये सब? हनुमान भक्त है? अब हमें हनुमान चालीसा नहीं आएगा तो फिर लानत है हम पे। सही कह रहे, कोशिश तो बहुत अच्छी की थी तुमने धानी, लेकिन तैयारी में थोड़ी ना कमी रह गई। हमारा छोटा भाई था, वो एक मिनट में कितने बार सांस लेता था हमें ये तक पता था। हमारा भाई भगवान विश्वास जरूर करता था, लेकिन उसने कभी कोई धार्मिक किताब या फिर
चालीसा का रट्टा नहीं मारा। देखिए भैया, दरअसल बात ऐसी, हम आपको बताते क्या है, ये बदलाव कैसे आया हम में, तो उसके बारे में बता रहे हैं ना हम आपको। अरे तुम क्या बताओगे, हम बताते हैं तुम्हें। तुम पहले बिल्डिंग से गिरे नदी में, गिरे, फिर तुम बहते गए बहते गए बहते गए और कहां पहुंचे? अयोध्या। अयोध्या नगरी, वहां तुमको पंडित जी ने बचाया। एक महीना तुम वहीं थे, अब सर में चोट आई थी तो तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, तो पंडित जी ने तुमको मंदिर की सेवा में लगा दिया। जय बजरंगबली। वहीं सीखा तुमने सब कुछ, पंडित परिवार के बेटे को पूरा पंडित बनाकर भेजा उन्होंने। ऐसे महानुभाव से मिलना चाहेंगे। हाँ, मिलवाएंगे एक दिन आपसे भी। अरे एक दिन नहीं, आज आज मिलेंगे, आज। इसी वक्त? हाँ हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? अरे पंडित जी को यहाँ क्यों बुलाएंगे? कुछ पूछना बाकी रह गया क्या? ये कह रहे हैं कि वो जो पंडित जी थे जिन्होंने हमें बचाया था, उनसे मिलना चाह रहे हैं। क्या करोगे पंडित जी का? सब कुछ तो पूछ लिया तुमने इनसे। हमें सच्चाई जाननी है इसकी। अरे हम कह रहे हैं ना कि ये ध्रुव है, तो मतलब ध्रुव है, बात खत्म बस। अच्छा, आपने बोल दिया और हम मान लें, आज इसका सच सामने आके रहेगा। किसी भी बहरूपिये को हम ऐसे अपने घर में घूमने तो नहीं दे सकते। इस घर की जमा पूंजी, पापा की जिंदगी भर की मेहनत, ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी को बर्बाद करने दे दें हम? भैया प्लीज, आप एक बार ये तो सोचिए कि जब से ध्रुव जी वापस आए हैं, पापा की तबीयत में कितना सुधार है। पापा के लिए प्लीज शांत हो जाइए। अगर ये शक उनके दिल में घर कर गया तो हमने आपको पहले भी बताया है, पापा के साथ अच्छा नहीं होगा। बंद करो ध्वनि, बंद करो अपनी ये नौटंकी, हम सब समझ रहे हैं। तुम्हारी पोल ना खुल जाए इसलिए पापा के कंधे पे बंदूक रखकर चला रही हो। भैया अगर अगर आपको धानी की बात पे विश्वास नहीं तो एक काम करिए ना, बुआ की बात सुन लीजिए। हमको किसी की बात नहीं सुननी। और धानी तुम, हमें कहीं घसीट रहे हो बीच में, हमें क्या पता? ये बुआ दोगलापन काहे कर रही हो तुम? जब पैसे चाहिए थे हमारा भतीजा, और जो पैसे नहीं मिल रहे इस वक्त, तो मतलब हम कौन? मतलब ये क्या बात हुई? पैसे हमारे भाई के हैं। क्या हुआ अभिषेक बेटा, ये सब? मिस्टर अभिषेक। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। हमारी एक टीम अयोध्या पहुंचने वाली है, और आपका जो शक है ना, वो थोड़ी ही देर में दूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा है ध्रुव, तुम्हारे जो पंडित जी है ना, उनका एड्रेस बता दो। अब एक महीने के अंदर तुमने चालीसा सीख ली, पूजा पाठ सीख लिया, तो एक महीने में उनका पता तो जरूर याद होगा। अब जैसे तुमने पता बताया, तो पुलिस पहुंचेगी पंडित जी के पास, और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे कितना सोच रहे हो यार, बताओ जल्दी। सोच नहीं रहे, सर दर्द हो रहा है हमारा। अरे तो बेटा खड़े क्यों, जाओ ना, जाकर आराम करो। हाँ हम जाके आराम। अरे अरे कहाँ कहाँ, अरे सारा इलाज है हमारे पास यार। हाँ। हमको पता, आजकल तुम बहुत दर्द में रहते हो और सर तुम्हारे को ज्यादा दर्द करता है, तो ये रही गोली, खाओ और आराम से टाइम लेके सोचो, और बताओ कि एड्रेस क्या है। मिस्टर ध्रुव, आप पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया इन्होंने, और ये बात हमारे सीनियर तक पहुंच गई है। अगर ये साबित हो गया कि आप मिस्टर ध्रुव नहीं बल्कि कोई और हैं, तो आपको लंबी सजा होगी। अच्छा काम करो यार, लिख के बता दो, लो लो।
ये लो, इसमें बढ़िया विस्तार से पूरा पता वता जो भी है लिख कर बताओ। लिखेंगे क्यों हम? क्यों लिखेंगे हम? मैं तो इधर है, इधर इधर। अच्छा याद है? हाँ। बहुत बढ़िया भी याद आया तुमको। बता रहे हम। एक मिनट, बताइए एड्रेस। जब आप अयोध्या पहुंचेंगे तो बीच बाजार में एक पीपल का पेड़ होगा, तो वहां से दाएं लीजिए पहले, फिर नहीं बाएं लीजिए पहले, फिर दाएं लीजिए, फिर आएगा गोल चक्कर। अच्छा चक्कर गोल चक्कर आ रहा है, चक्कर गोल चक्कर, गोल चक्कर, गोल चक्कर, गोल चक्कर आता है। फिर वहां से तीसरा दाएं, तीसरा दाएं लीजिएगा, वहां से हनुमान जी की टेकड़ी आएगी। सर हनुमान टेकड़ी पहुंच गए हम। लो पहुंच गए लोग, पहुंच गए। हाँ आगे का फिर क्या? तो वहां से बाएं लीजिए ना, वहां से अब आगे से बाएं लीजिए, आगे से बाएं लिया, आगे। हे बजरंगबली बचा लीजिए हमें।